की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ ऐसे ही कलर भी जाते भाई साहब को कलर बताया मैंने ब्लैक जी बिल्कुल ऐसे ही है ऐसे ही है ऐसे ही। मेरी बात सुनो मैंने ये कहा था भैया कि देखो ये दो बार गाड़ी तो मिल नहीं रही कोई सी भी ठीक मिले वो तो मिलती ना हमें पता ही खुद मिल रही ठीक है ना मिली। मैंने भैया मैं तो गाड़ी की कैंसिल हो गई है अब तो गाड़ी कैंसिल हम जा रहे हैं अपने घर को देखो भैया अपने घर को हम अपने घर को जा रहे हैं यू बात नहीं भैया अब तो मैंने की बाद में देखी जाएगी जैसी भी गाड़ी देखी फिर मैं उसी एरिया में चला गया बाहर को ठीक है यही बात ही ना कोई भी हमारी रिलाई नहीं है कैसी भी ना टाइम है अभी टाइम है फोन कर लो बात कर लो गिरे जाओ तो होना चाहिए मना कर दिया चलो ठीक है यार ऐसा होने का इंशाल्लाह ऐसा होगा लंबी गाड़ी और ऐसा ही हो रहा है तुम तो मुंह पे मौका झुटला रहे हो कैसे इमरान भाई साहब से जो उस दिन बात हुई तुम्हारी जिस दिन तुम गाजियाबाद थे अपनी तरफ से हमने तो बता दी मामू। हाँ नहीं तो सुनो तो यार मैंने तुमसे ना कर दिया मैंने कहा ऐसे ना होने के गाड़ी उनके हिसाब से इस्लाम भाई साहब हाँ लागत ना बस चल रही भैया ना चल रही अच्छा अच्छा बस इंशाल्लाह मैं भी बस देख लो अभी उतरा हूँ हाँ लागत जी जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहु भाई बिरादरी के पंचों ने मिलकर और बड़ी प्यार और सहमति के साथ पहले तो आप ये बता दें आपके साथ कोई जाती तो नहीं हुई इसमें कोई जाती नहीं हुई ना किसी ने कोई मारपीट तो नहीं की किसी प्रकार की कोई जाती नहीं हुई ना जोर से बोल दो नहीं हुई ठीक है सबने प्यार मोहब्बत से मिलकर शहादत भाई की बहन और इनका क्या नाम है जराफत भाई का बेटा इनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया मैं बात खोलूंगा नहीं अब किसी बात को लेकर शादी ना हुई और निकाह नहीं दिया इन्होंने लेकिन सारी बातों को बिरादरी ने बैठ के सॉर्ट आउट किया बहुत मोहब्बत और प्यार के साथ में और सारे खर्चे लगाकर शादी के 17,25,000 रुपये का बिल बना जो लड़के वालों ने 12,50,000 रुपये अभी दे दिए हैं और एक सेल्टोस गाड़ी सोनेट और सोने की चीज़ें अपनी यहाँ गिरवी रख दी हैं सिर्फ इसलिए कि कल ये 4.5 लाख रुपए इनके देकर और अपना सामान वापस ले जाएंगे अपनी अमानत वापस ले जाएंगे वो सामान भाई साहब के पास रखा है भाई साहब से आप पैसे देकर और अपना सामान ले जाए दोनों पक्ष राजी हैं इनके पास सामान रखने के लिए कोई दिक्कत तो नहीं है अगर किसी को कोई हमारी तरफ से जो बीच के लोग हैं कोई ठेस पहुँची हो कोई हमारी गलत बात लगी हो तो हम इसकी अभी यही माफ़ी मांगते हैं ठीक है जी प्रधान जी बोलो खड़े होकर बहुत अच्छी बात है हमें संदूक और कपड़े का कोई मसला है आपके संदूक और कपड़े अभी आपको हैंड ओवर कर दिए जाएंगे एक बात और मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये बिरादरी का मसला है जो बात हो गई वो अल्लाह की मर्जी थी ना किसी ने कोई जानबूझ के करा ना इन्होंने जानबूझ करा ना आपने करा ये अल्लाह ने जो चाहा वो हुआ लेकिन किसी की कोई बेइज्जती ना करे किसी से कोई बदतमीजी ना करे मेहमानों को इज्जत के साथ विदा कर दिया जाए सब सहमत है हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद।